हरी हरी घास है, गुफा बड़ी शांत थी। सारे गुलाब वाले कहते हैं देखो कितना सुंदर गुफा है, ऐसा गुफा पर वृंदावन में एक भी नहीं है, ब्रज में एक भी नहीं है, बड़ा सुंदर गुफा है, चलो इस गुफा के अंदर। लेकिन कन्हैया तो नहीं आया, कन्हैया के जाना चाहिए, लेकिन एक बार वाला रोम शंकर कहता है नहीं नहीं कन्हैया नहीं है तो क्या है, कन्हैया वाद में रहे, हम लोग उस गुफा का आनंद ले। तो वाल वाले धीरे धीरे करके इकाई करके घुसने लगा गुफा, बहुत उधर घुस गया और सब बाल वाले घुसे जा रहे हैं, बलराम भी घुस गए, जब सब घुसे जा रहे हैं अंदर पहुंच गए हैं बिल्कुल अंदर, अब आकाश में देखता है इसको मुझे मारना है तो नहीं है, इसलिए दोस्त वाल वालों को हमें मारना नहीं है, इसलिए अपने मुख को खोले रहा वो अजगर साफ है आकाश में, इसलिए वो अपने मुख को उसी तरह से खोले हुए है, कन्हैया का इंतजार कर रहा है। लेकिन गुफा में हरी हरी जो घास है वहां गर्मी का एहसास हो रहा है, बड़ी गर्मी लग रही है क्योंकि सर्प सांस ले रहा है और उसके सांस में विष है, इसलिए भगवान सतीश आ जाते हैं कन्हैया और कन्हैया कहते हैं अरे तुम लोग कहां घुस गए गुफा में, इसे नहीं घुसना चाहिए, लेकिन वाल वाले घुस गए तो भगवान कैसे नहीं घुसेंगे, भगवान ने भी अपने वाल वाले की रक्षा के लिए इन्हें काल के काल में चले जाते हैं। अब भगवान जो ही अंदर जाते हैं तो ही वो आकाश में क्या करता है धीरे 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 अपने मुख को बंद करते जा रहा है और करते करते पूरा मुख जब बंद कर देता है तो सारे बाल बाल बढ़ने लगते हैं, सांप के विषय चिल्लाने लगते हैं कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ, भगवान कृष्ण क्या करते हैं अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं और आकाश का पेट फट जाता है और सारे बाल बाल बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने आकाश का भी संहार किया। एक बार भगवान कृष्ण और बलराम चल रहे थे, एक सुंदर वन है जहां पर बहुत सारे फल फले भी है, फलों की खेती होती है वहां, एक से एक किस्म के फल है। बलराम के महाराज को फल खाने की बड़ी इच्छा है, ये बड़े सुंदर फल है स्वादिष्ट फल है, बलराम के महाराज वहां जा रहे हैं। अब जैसे ही फल तोड़ने लगते हैं बलराम जी तो ध्यानदास आ जाता है और बलराम जी को झटका, बलराम जी क्या करते हैं दौड़ते हुए ध्यानदास का एक कान पकड़ लेते हैं और कान पकड़ के घुमाते हैं, परिक्रमा देते हैं, चार पांच परिक्रमा देकर के उसको धरती पर पटक देते हैं और ध्यानदास का विकास हो जाता है। इस प्रकार से भगवान अनेक राष्ट्रों का वध करते हैं। अब भगवान राष्ट्रों का वध क्या करते हैं, अपने लोग में भेज देते हैं, भगवान जिसको भी मारे है अपने लोग में भगवान उसको भेज देते हैं।
वही है ये कुछ ना नंद बाबा इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इंद्र भगवान की पूजा है, बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है, वृंदावन में बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज इंद्र भगवान की पूजा है, बहुत सारे डॉक्टर मिश्री निष्ठान कर रहे हैं, चंपा प्रकार का भोग तैयार हो रहा है, इंद्र भगवान का भोग लगेगा, इनकी पूजा होगी। कभी अनंत बाबा से कहते हैं बाबा आज बड़ी धूमधाम से लोग क्या हो रहा है? कभी आपको मालूम नहीं है, हम लोग हर रोज इंद्र भगवान की पूजा करते हैं और इस वर्ष की इंद्र भगवान की पूजा तैयारी हो रही है। कभी हम पूछते हैं बाबा इंद्र भगवान की पूजा क्यों की जाती है? भैया इंद्र भगवान इंद्र आश्रम के मालिक है, इंद्र देवताओं के अधिपति हैं, देवताओं के राजा हैं, वे वर्षा कराते हैं, तभी तो अलग मेला होता है, अलग मेला होता है। अगर इंद्र भगवान वर्षा न करा दे तो हम लोग भूखे हो जाएंगे, इसलिए हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। कहीं ये करते हैं इंद्र भगवान की पूजा कराने से तो अच्छा है, हम लोग गोवर्धन की पूजा करें, गोवर्धन भगवान की पूजा कर लें, क्योंकि गोवर्धन भगवत का भी तो बड़ा उपकार है हम लोगों को, ये भगवान है, हम लोग इन्हीं की पूजा कर लें। नंद बाबा वाले तो नहीं मानते हैं, लेकिन जो बार बार कन्हैया करते हैं इंद्र से ज्यादा उपकार तो गोवर्धन पर्वत की है, हम लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, गोवर्धन भगवान की पूजा करें, काली बात वाले बात मान जाते हैं, नंद बाबा स्वीकार कर लेते हैं और गोवर्धन भगवान की पूजा की तैयारी कर लेते हैं। चौथा प्रकार की भोजन तैयार हो रहे हैं, चाहे माल वाले गोपिया नए नए वस्त्र धारण करके गोवर्धन भगवान की पूजा करके भी आए हुए हैं। अब गोवर्धन भगवान की परिक्रमा हो गई है, सात कोस की परिक्रमा परिक्रमा चल रही है और भगवान को भोग लगाए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाधारी है, भगवान ही गोवर्धन में पर्वत में समा जाते हैं, अपने दिव्य रूप से भगवान समा जाते हैं और जो भोग लगाया जाता है सभी भोग भगवान पाए जा रहे हैं, टिकरी हलवा पूरी कचौड़ी सब भगवान आए जा रहे हैं। लोगों को लगा है इंद्र भगवान कितने दिन तक पूजा किए, इंद्र भगवान तो बोलते नहीं है, लेकिन ऐसे भगवान है जो बोलते भी है और हम लोगों को आशीर्वचन भी दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लगता है तो गोवर्धन भगवान हम लोगों से बड़े ही प्रसन्न है। तो गोवर्धन भगवान की पूजा बड़े ही धूमधाम से नंद बाबा बाल वाले गोपिया ने बनाया, बहुत बड़ा चर्चा हुआ, कोई भंडारा हुआ। अनिंद्र अपने दूत को भेजते हैं कि भाई देखो वृंदावन में नंद बाबा हमारी पूजा करते थे, इस वर्ष पूजा नहीं कर रहे हैं। एक दूत गया, उन्होंने देखा इंद्र की तो पूजा नहीं हो रही है, किसकी पूजा हो रही है? तो गोवर्धन
मैं देखता हूं इंद्र ने अपने दूतों को आदेश दिया इतना वर्षा कराओ इतना वर्षा कराओ कि ब्रज जलमग्न हो जाए डूब जाए। अब उनकी बातों को मान करके दूध वर्षा कराना प्रारंभ किया। अब इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी मोटे मोटे बूंद गिरने लगे। एक दिन दो दिन तीन दिन सात दिनों तक लगातार वर्षा होते हैं। अब चारों तरफ जल ही जल से पानी पड़ने लगा। अब जब सब जगह जलमग्न हो गया जल्दी जल्दी खाई पड़ने लगा वाल वाले डूबने डरने तो भगवान ने कहा गोपियों वाल वालों को डरो मत आओ। भगवान हम लोग सब मिल करके गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं सब लोग मिलकर के उठाना तो सारे बाल बाल गोपियां लाठी लगाती गोपियां लाठी लगाती है बाल बाल लगाते हैं। भगवान ने भी अपना उंगली लगा दी और भगवान ने कहा सबको गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। छाता बना लिया गोवर्धन पर्वत को क्या किया भगवान ने छतरी बना लिया छाता बना लिया और सब उसको उठाए हुए हैं। अब भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए सात दिन हो गए। अब भगवान कृष्ण से बाल बाल करते हैं भैया हम लोग तो कितना बार हाथ हटा लिया हाथ में दर्द होने लगती है लेकिन तू लगातार सात दिनों से हाथ नहीं हटाया। अरे हम लोग भी तो गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं तो अकेले थोड़ी उठा रहे इसलिए तो अपना उंगली नीचे कर ले। भगवान मुस्कुराते हैं कहते नहीं मुझे उंगली लगाने दो। बार 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 मना किया तो भगवान ने कहा ठीक है मैं उंगली थोड़ा हटाता हूं। भगवान ने जो ही उंगली हटाई तो चटाचट चटाचट सब बस टूट गए सब छड़ी टूट गई। अरे कन्हैया वास्तव में गोवर्धन पर्वत तो तूने ही उठाया तूने जरा सा उंगली हटाया सब लाठी चटाचट टूट गए। भैया हाथ लगा भगवान कृष्ण को हाथ लगाते हैं देखिए भगवान नाम दूसरे को देते हैं। भगवान मान क्या करते हैं दूसरे को देते हैं बाल बालों को देते हैं गोपियों को देते हैं। यही भगवान का लक्षण है। बाल बालों ने कहा भैया सात दिनों से गोवर्धन पर्वत को उठाए नहीं हो अभी तक तुम देखता है कि मैं तो पूरा दुनिया को डुबा दिया आप रस का क्या हाल है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं तब तक उस पर्वत को नीचे रख देते हैं क्या लिखते हैं वृंदावन दूर हो रहा है वर्षा एक बूंद नहीं पड़ा है इंद्र का अहंकार चूर चूर हो जाता है और माफी मांगे इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है। भगवान किसी चरणों में हाथ जोड़ के कहता है प्रभु हमसे गलती हो गई मैंने आपका अपमान किया है मैंने आपको सामान्य बाल बाल समझा लेकिन प्रभु आप बाल बाल नहीं है आप तो साक्षात ईश्वर है परमात्मा है मुझसे अपमान हो गया आपकी कृपया क्षमा कर दो आप कृपया क्षमा दे। तो भगवान ने कहा कि देखो इंद्र मैंने तुझे बनाया और मैंने तुझे ड्यूटी लगाई लेकिन तुम हमारे सामने ये करने लगे मैं तुझे पावर दिया हूं लेकिन पावर का दुरुपयोग नहीं करो
पावन का सदुपयोग करो, ये हमारे भक्त है, ये वृंदावन तुम्हारी धरती पर रखा है, ये भक्ति की नगरी है। वाल वाले वो भी ये ऋषि मुनि है और राम अवतार में बहुत तपस्या किया उन्होंने, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो ऋषि मुनि ने कहा कि महाराज इतनी तपस्या करने के बाद भी आपका दर्शन नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा, अगले जन्म में मैं आऊंगा श्री कृष्ण बन करके, तुम लोग बाल माला भूमि बन करके आना, वहां तुम्हारी इच्छा पूरा कर दूंगा, वहां मैं तुझे दर्शन दे दूंगा। बोलवा के बिहारी लाल की जय, श्रीमदान परमात्मा की जय, जय जय श्री कृष्ण। जय राधा
इंद्र का मान वर्धन किया। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उसे क्षमा दान किया। एक दिन की बात है, आज नंद बाबा 85 वर्ष है। आज वो भजन लीन है। बारह रात में वो गंगा जी के स्नान करने चल देते हैं, उनको भ्रम हो जाता है, लगता है सुबह हो गया। सुबह समझकर वे गंगा जी के स्नान करने चले जाते हैं और जैसे ही गंगा जी में गोता लगाते हैं तो एक अजनबी देवता वरुण जी के गुप्तचर जाते हैं, उनका पैर पकड़ लेते हैं और खींचते हुए यमुना जी के बीच में ले जाता है। उसे वरुण लोग भी लेके चले जाते हैं। नंद बाबा का हरण हो जाता है। सुबह हो गए लेकिन अभी तक नंद बाबा यमुना जी स्नान करके लौटे नहीं, चारों तरफ हल्ला हो गया। नंद बाबा डूब गए, नंद बाबा डूब गए। यमुना जी स्नान करने गए थे, नंद बाबा डूब गए। ये बात बलराम जी को पता चला, बलराम जी बड़े दुखी हो गए। बलराम जी ने कन्हैया से कहा, प्यारे कन्हैया, नंद बाबा जल में डूब गए हैं, यमुना जी ने पता लगाओ। भगवान से कृष्ण जाते हैं और यमुना जी ने छलांग मारते हैं। छलांग मार करके भगवान सीधे वरुण लोक में चले जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि नंद बाबा आराम से बैठे हुए हैं लेकिन हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। आप पैर में पड़ी है, मंदिर बना दिए गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वहां पूछते हैं, बाकी जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं वहां तो वरुण देव का बड़ा आदर करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, भगवान को भोजन कराते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं और पूछते हैं कि भगवान आपका स्नान किस हेतु से हुआ है, स्नान हुआ है बताए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोगों ने हमारे पिताजी को मंदिर बना दिया है। वो यमुना जी के स्नान करने आए थे बारह मेरा, उनको भ्रम हो गया, उसे गलती हो गई, इसलिए नदी में रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि वरुण देव का अपमान होता है, वे स्वयं करते हैं। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं, 7 बजे तक कर ले, लेकिन 12 बजे रात्रि में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि वरुण देव का अपमान होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे पिताजी से गलती हो गई, आप उनको मुक्त कर दे। परंतु हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु हमसे भारी गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि आपके पिताजी आपके पिताजी हैं, आप हमारी गलती को क्षमा कर दे और दे जाए अपने पिताजी। भगवान श्री कृष्ण गलती कृष्ण छुड़ा करके ले जाते हैं चंद्र बाबा को, चले जाते हैं। लोगों को खुशियां छा जाती है, नंद बाबा की जय, नंद बाबा की जय, चारों तरफ से जय ध्वनि होने लगती है। अब महामुनि सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद है क्योंकि भगवान की लीला चल रही है। राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं,
कथा सुनते सुनते कहते नारायण भगवान श्री कृष्ण महाजन जो है और भगवान ने गोकुल का चिर रंग भी किया था, चिर रंग का कथा कृपा करके सुनाए बताते हैं। आरती के महीना गोपियां बंद करती है और उपवास करती है, कात्यायनी देवी की पूजा करती है, यमुना जी के स्नान करते थे ये गोपियां। देखिए गोपियां जो स्नान कर रही है तो निर्वस्त्र ही कर रही है, भगवान ने देखा तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। देखो यमुना देवी है, जितने भी नदियां हैं ना सब देवी पर्वत जीते हैं सब देवता, देवता चंद्रमा देवता विष्णु देवता पशु देवता सभी देवता सब देवता सभी पहाड़ जंगल वनस्पति प्रकार की दुनिया ये सब क्या है, सब देवी देवता का वास है। अब क्या होता है भगवान को अच्छा नहीं लगा तो भगवान ने क्या किया, मना किया। देखो क्यों देखो नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए तो नहीं माना, बोला हम हर साल नहाते हैं इस बार भी नहा रहे हैं, भगवान ने मना किया इनको ये ठीक नहीं करती हो। भगवान ने क्या किया तो निर्वस्त्र को क्या क्या उठा लिया और उठा कर बिल्कुल छुट गए। आप गोपियां स्नान कर रही है, आपने सहेलियों से बातचीत भी कर रही है, बहुत तरह के गीत भी गा रही है, अपने आप में मगन है। जब स्नान किया हो गया तो गोपियां सब क्या देखते